Next is fourth point, which is y is equal to fx is equal to cot x. Right? Y is equal to fx is equal to cot x. अब देखिए, अभी इस तरह से y is equal to cot x का भी करेंगे. तो सबसे पहले हम थीटा और cos थीटा में इसका एक वैल्यू ले लेते हैं. Right? थीटा और cos थीटा का एक वैल्यू लेते हैं. जैसे सपोज दिस इज थीटा एंड दिस इज cot थीटा. अब देखिए, जब थीटा जीरो की बात करेंगे, जब थीटा जीरो होगा तो ये क्या होता है, थीटा इक्वल टू जीरो पर इसका cot थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट होता है. राइट? और थीटा वन जब रहेगा, थीटा पाई बाई फोर पर, पाई बाई फोर पर इसका वैल्यू रहेगा वन. राइट? पाई बाई फोर पर इसका वैल्यू रहेगा वन. और अगर हम पाई की बात करें, अगेन इस जीरो cot थीटा, देखिए जीरो पर इनफाइनाइट है. राइट? और अगर पाई बाई फोर पर वन होता है, पाई बाई टू की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू पर इसका वैल्यू जीरो होता है. राइट? और फिर इसी तरह से माइनस पर सीधे हम पाई की बात करते हैं तो पाई पर अगेन ये माइनस इन्फिनिटी होता है. राइट? दिस इज माइनस इन्फिनिटी एट पाई. तो इसको भी अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. और अब देखिए, ये जीरो हुआ हमारा जीरो, और ये पाई बाई टू की बात करें, दिस इज पाई बाई टू, दिस इज पाई, पाई बाई टू पाई, एंड अगेन थ्री पाई बाई टू, एंड दिस इज पाई, टू पाई. नाउ हियर ऑल्सो माइनस पाई बाई टू, और ये हो जाएगा माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस टू पाई. राइट? तो ये बहुत सारे इंटरवल हमने ले लिया. अब ये देखिए कहाँ हो रहा है, ये पाई पर माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, जीरो पर इन्फिनिटी हो रहा है. तो यही इसके एसिम्प्टोट हो जाएंगे, जीरो पर इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है. राइट? पाई बाई टू पर देखिए, ओल्ड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर इसका वैल्यू क्या है, जीरो. राइट? तो पाई बाई टू पर इसका वैल्यू जीरो जाएगा अगर इसकी बात करेंगे. और फिर इस पाई पर तो अगर इसके एसिम्प्टोट खींचेंगे हम तो देखिए ये कहां आएगा, ये हो गए इसके एसिम्प्टोट. राइट? फिर टू पाई, टू पाई हो गया इसका. राइट? और इसी तरह से यहां देखिए, माइनस पाई पर भी इन्फाइनाइट वैल्यू ले रहा है ये, और माइनस टू पाई पर भी इन्फाइनाइट वैल्यू ले रहा है. राइट? अब देखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो कॉटेक्स, कॉटेक्स का वैल्यू क्या है, ये दिस इज जीरो जीरो. देखिए ये हुआ, दिस इज ओरिजिन जीरो जीरो, और यहां पर इसका वैल्यू क्या है, इन्फाइनाइट. राइट? यहां पर इसका वैल्यू है इन्फाइनाइट. पाई बाई टू पर देखिए इसका वैल्यू हो जा रहा है जीरो, एंड पाई पर माइनस इन्फाइनाइट. तो यहां से यहां तक आ रहा है ये. राइट? तो ये देखिए, अगर इसकी इसका ग्राफ हम प्लॉट करें तो इन्फिनिटी से आ रहा है डिक्रीज होते हुए पाई बाई टू पर, और यहां आकर के अगेन इसी पैरेलल टू इन्फिनिटी. तो इस तरह का इसका नेचर होगा. अगेन देखिए, यहां पर पाई प्लस पर अगर इसकी बात करें तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां इन्फिनिटी से आएगा ऐसे, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये एसिम्प्टोट है. एक्चुअली ये इन्फिनिटी का मतलब है कि ये कभी मिलते नहीं है. राइट? फिर देखिए, माइनस पाई पे, माइनस पाई पे इसकी हम बात ये करेंगे
तो माइनस पाई पे अगेन दिस इज देखिए पाई बाई टू पर इसका वैल्यू जीरो है तो माइनस पाई बाई टू पर जीरो होगा और माइनस पाई पे इसका वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी। तो फिर अगेन ये यहां से ऐसे हो गया और इसकी भी बात करेंगे तो पाई बाई टू पर जीरो होगा यानी फिर यहां से ये तो दिस इज वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब आइए सबसे पहले इसके डोमेन की बात करें। नाउ व्हाट इज डोमेन ऑफ कॉट एक्स। देखिए ये पूरे रेंज में पूरे आर में जाएगा लेकिन कहां है एन पाई पर पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर ये क्या हो रहा है डिसकंटिन्यूअस है। तो डोमेन इसका क्या होगा आर एक्सेप्ट एन पाई राइट जहां पर एन इज इंटीजर राइट। ये देख लीजिए जहां पर ये पाई ये जीरो ये माइनस पाई पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और एक्चुअली इसके डोमेन में नहीं है एन पाई इसके डोमेन में नहीं है तो इसका डोमेन क्या होगा आर माइनस एन पाई नॉट डिफाइंड है ये फंक्शन राइट। चलिए रेंज रेंज की बात करें देखिए यहां माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक है तो रेंज क्या हो जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी और ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है राइट। एक और इसमें ये कर देते हैं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है राइट। एक इंटरवल की बात करें तो देखिए अपने क्या हो रहा है डोमेन में यहां से कंटिन्यू करते करते प्लस इन्फिनिटी से जीरो होते हुए माइनस इन्फिनिटी हो जा रहा है राइट। नाउ व्हाट फॉर पीरियड देखिए टेन एक्स की तरह इसका पीरियड में कितना है पाई देखिए यहां से पाई बाई टू और यहां से पाई बाई टू तो जीरो बाई जीरो टू पाई बाई टू में ये रिपीट हो रहा है। नेचर नेचर फिर इसका हो जाएगा क्या होता है कि टेन कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स सो ये क्या हो जाएगा एक ओड फंक्शन हो जाएगा एंड अगेन एक्चुअल डोमेन में क्या हो जाएगा मेनी वन इन इट्स एक्चुअल डोमेन मेनी वन इट्स क्योंकि देखिए कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये फंक्शन को बहुत सारे जगह पर कट कर रही है राइट। तो एक ही वाई के लिए बहुत वैल्यू एक्स का मिल रहा है इसके डोमेन में इसलिए क्या हो जाएगा मेनी वन। अगेन जैसा कि सारे में हम लोग ये देखे हैं रेंज इतना हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया अतः इट इज डिसकंटिन्यूअस एट कहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है देखिए एन पाई पर जहां एन इज इंटीजर प्लस माइनस वैल्यू है एन पाई पर देखिए यहां पर हर जगह ये डिसकंटिन्यूअस है यहां पर भी देखिए माइनस पाई पर जीरो पर पाई पर टू पाई पर माइनस टू पाई पर ये डिसकंटिन्यूअस है तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एन पाई वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर। अब देखिए कॉट स्क्वायर एक्स या मोर कॉट एक्स की बात करें हम तो देखिए जीरो तो होकर जा ही रहा है ये कहां तक जा रहा है दिस इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी जीरो इंक्लूडेड है तो दिस इज इक्वल टू जीरो और ये हो गया आपका इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है राइट। अब थोड़ी सी जनरलाइज करने के लिए बताते हैं कि अगर कॉट एक्स जीरो है कॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स जीरो है तो एक्स कितना हो जाएगा देखिए कहां का जीरो है ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर जीरो है तो ये एक्स बिलोंग टू ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू यानी टू एन प्लस वन पाई बाई
2, where n belong to integer, right? तो ये हो गया. इस तरह से हम लोग करीब करीब काफी. अब देखिए क्वार्टेट्स कहां नहीं डिफाइन है, तो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर. देखिए ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि क्वार्टेट्स इज नॉट डिफाइंड एट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, राइट. और डोमेन कितना हो जाएगा, आर माइनस एन पाई, क्योंकि एन पाई पर ये डिफाइन नहीं है. ठीक है, रेंज तो देख रहे हैं पूरा आर है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट इज रेंज इसका पूरा इंटरवल में है. तो इस तरह से दीज आर द वेरी डिटेल्स रिगार्डिंग वाई इज कॉल टू वॉर्टेक्स. ओके, थैंक यू.